छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट बनी बिलासपुर में मुकाबला अब दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने तोखन साहू को मैदान में उतारा तो कांग्रेस ने भिलाई से विधायक देवेंद्र यादव पर दांव खेल दिया। हाथ के लिए चुनौती बनी इस सीट को कांग्रेस ने हथियाने की रणनीति बनाई है तो बीजेपी गढ़ का फायदा मिलने का दावा कर रही है। अविभाजित मध्य प्रदेश से पहले कांग्रेस का गढ़ रही बिलासपुर सीट पर पिछले तीन दशक से बीजेपी काबिज है। छत्तीसगढ़ गठन के बाद से लगातार जीत रही बीजेपी ने फिर इस बार लोरमी से ओबीसी कैंडिडेट उतारा है तो कांग्रेस ने भी भिलाई के देवेंद्र यादव पर दाव खेला है। पहली बार ऐसा मौका है जब बिलासपुर से दोनों उम्मीदवार ओबीसी कैटेगरी के हैं। इससे पहले भी ओबीसी वर्ग से आने वाले अरुण साव यहां से सांसद थे। बिलासपुर बना सियासतपुर, पिछले तीन दशक से बीजेपी का कब्जा। 1996 से 2009 तक सांसद रहे पुन्नूलाल मोहले। 2009 में दिलीप सिंह जूदेव ने फहराया परचम। 2014 में लखनलाल साहू ने दर्ज की जीत। अरुण साव ने 2019 में बरकरार रखा जीत का सिलसिला। 24 में एक बार फिर ओबीसी कैंडिडेट तोखन साहू को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये सीट बड़ी चुनौती बनती जा रही है। बीजेपी का कहना है कि इस बार विधायक देवेंद्र यादव अब तक के सबसे बड़े वोटों के अंतर से हारकर भिलाई वापस लौटेंगे तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जीत का दम भर रहे हैं। सर्वाधिक मतों से जीत कर भारतीय जनता पार्टी का सांसद श्री तोखन साहू जी बनकर यहां से जाएंगे और सर्वाधिक मतों से हारकर देवेंद्र यादव जी को भिलाई वापसी होगी, ये कांग्रेस ने तय कर दिया है। कांग्रेस के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है, आपको स्पष्ट हो सकता है। ये गढ़ बनाती है जनता, ये उनके जो सर में जीत का अहंकार नाच रहा है ना, ये अहंकार करने का अधिकार जनता ने दिया और ये अहंकार खत्म भी जनता करेगी। हम तो जनता के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस जन की आदत होती है जनता के सुख दुख में खड़े रहने की, काम करने की। जनता का विश्वास हमारे साथ है, हमें पूरा भरोसा है और जनता, ये अहंकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बार बिलासपुर की जनता जवाब दे देगी। राजनीतिक जानकार भी बिलासपुर सीट को कांग्रेस के लिए चुनौती मान रहे हैं। कांग्रेस को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और कांग्रेस के लिए जो पहले जो संकेत जैसा बोलते हैं, जो प्रत्याशी चयन को लेकर जो असंतोष है, वो एक उनके लिए बड़ी परेशानी और मुश्किल की बात सामने आ रही है। तो अब ये देखना होगा कि ये लोग रूठे लोगों को कैसे मनाएंगे, असंतोष को कैसे दूर करेंगे। बीजेपी अपनी परंपरागत सीट पर बड़े अंतर से जीत का दावा कर रही है तो कांग्रेस बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस बीजेपी के गढ़ को भेद पाएगी या बीजेपी अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखेगी। अमन पांडे, बंसल न्यूज़, बिलासपुर।